वेल हेलो दोस्तों, बुजुर्गों में हूँ हसनुर रहमान। आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल जुबिन गर्ग मोटर क्लास में स्वागत है। दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों को दिखाऊंगी टाटा एसजिप का जो ऑयल पाम है, ऑयल पाम का कौन प्रेशर ज़्यादा हो गया है उसको हम सेंस करेंगे अभी। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए मेरे वीडियो, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों देख लीजिए, ये है ऑयल पाम, ये इसका प्रेशर ज़्यादा हो गया है, इसको हम अभी सेंस करेंगे। इसका प्रेशर ज़्यादा होने के बाद जो मोबिल फिल्टर है उसको टूट जाता है। दोस्तों ये फिटिंग कर रहा हूँ, देख लीजिए नया वाला ले आया मैंने, उसको फिटिंग कर रहा हूँ। कैसे फिटिंग कर रहा हूँ मेरे वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, देख लीजिए दोस्तों। और मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ज़रूर। दोस्तों मैंने बोल्ट को लगा लिया है, टाइट दे दिया है, देख लीजिए दोस्तों कैसे फिटिंग कर रहा हूँ। मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और आप लोगों को जो बात समझ नहीं आएगा समझ। और देख लीजिए ये है ठास वाशर, और अभी केरिंग फिटिंग करूँगी। ठास वाशर मैंने लगा दिया है, देख लीजिए ये मैंने केरिंग फिटिंग कर लिया है दोस्तों, देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी ये है पीटीओ कवर के साथ कहाँ से ऑयल सील लगा हुआ रहता है, देख लीजिए। चलिए वीडियो को मेरा लास्ट तक दोस्तों। यहाँ पे ऑयल सील रहता है, ये है ऑयल सील, ये है मेन ऑयल सील, इसको फिटिंग कर लिया है मैंने दोस्तों। और देख लीजिए ये है थ्रस वाशर, इसको भी फिटिंग करना पड़ेगा। एक इंजन की तरफ से लगा हुआ रहेगा और एक जो पीटीओ कवर के साथ लगा हुआ रहेगा दोस्तों। देख लीजिए मैंने फिटिंग कर लिया है ऑयल सील, पीटीओ कवर फिटिंग कर लिया है, देख लीजिए इंजन फिटिंग हो चुका है। उसके बाद देख लीजिए जहाँ पे मोबिल फिल्टर फिटिंग होता है वो, ये देख लीजिए फिटिंग करूँगी ये दोस्तों। मैंने ये फिटिंग कर लिया है मोबिल फिल्टर लगाने वाला को दोस्तों। और यह है मोबिल पाइप, इंजन की तरफ से आएगी दोस्तों। ये है टाइमिंग, देख लीजिए दोस्तों, और मैंने एक टाइमिंग का वीडियो अपलोड किया है दोस्तों। ये है टाइमिंग कवर, देख लीजिए मैंने टाइमिंग कवर का भी फिटिंग करूँगी। ये है हम भी पीटीओ कवर कहते हैं दोस्तों, ये है फिटिंग कर लिया है हम लोग। और यहाँ पे ऑयल सील रहता है, ये ऑयल सील जाने के बाद मोबिल लीक करता है दोस्तों, देख लीजिए। ये आराम से टाइट देना नट को, जो नट है 13 नंबर, इसको आराम से टाइट देना ताकि थ्रेड ना टूट जाए दोस्तों, हल्का हल्का टाइट देना। और ये फिटिंग हो गया है, मैं अभी सेल्फ का जो कवर है उसको लगा रहा हूँ अभी। यहाँ पे सेल्फ का बॉडी सेल्फ फिटिंग होता है ये दोस्तों, देख लीजिए। उसके बाद ये फ्राई बेल लगाने वाला लोक है, इसको फिटिंग कर रहा हूँ क्रेंक के साथ, देख लीजिए मैंने फिटिंग कर लिया है दोस्तों। उसके बाद अब ये है प्रेशर प्लेट का साथ दोस्तों, देख लीजिए लगा रहा हूँ प्रेशर प्लेट कहाँ से लगा हुआ रहता है वो, देख यहाँ पे लगा लिया है मैंने दोस्तों। ये है क्लास डी प्रेशर प्लेट, अभी इसको फिटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। ये है ब्लॉक का साथ जो वाशर रहता है, ये सिम वाशर, इसको मैंने फिटिंग कर लिया है दोस्तों। और ये है ब्लॉक, अभी फिटिंग कर रहा हूँ, देख लीजिए ब्लॉक कैसे फिटिंग कर रहा हूँ। इंजन की तरफ से ब्लॉक फिटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहे, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। और अभी फिटिंग कर रहा हूँ ये पिस्टन रिंग, पिस्टन देख लीजिए मैंने पिस्टन रिंग कैसे सेट करना है, पहले एक वीडियो डाल दिया है मैंने वो, देख लीजिए अभी कैसे पिस्टन को अंदर डाल रहा हूँ, देख लीजिए दोस्तों पिस्टन को अंदर डाल दिया है। अभी ये कार पे फिटिंग करूँगे दोस्तों, मेरा वीडियो लास्ट तक देखते रहे, और जो बात आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने फिटिंग कर लिया है, अभी गाड़ी पे फिटिंग करके बाद हेड फिटिंग करूँगी दोस्तों, हेड कैस्केट हेड फिटिंग करूँगी। चलिए देखते हैं वीडियो को लास्ट तक दोस्तों। अभी गाड़ी पे फिटिंग करने वाला हूँ, मैंने गाड़ी पे फिटिंग कर लिया है, देख लीजिए दोस्तों।
आप लोगों को कैसे लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइए दोस्तों। अभी सैंबर लगाऊंगी, मोबाइल सैंबर, ये यहाँ पे मोबाइल सैंबर लगाता है, देख लीजिए ये है मोबाइल सैंबर दोस्तों। यहाँ पे गैसकेट डालना सही है दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों। ये है हेड गैसकेट, देख लीजिए मैं अभी फिटिंग करने वाला हूँ हेड गैसकेट। और यह है हेड, आप लोग देख लीजिए ये फिटिंग करूँगी अभी दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जो बात आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को ज़रूर कमेंट कर रिप्लाई करूँगी दोस्तों। ये ठीक से फिटिंग करना सीधा कर, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारा बोर्ड को लगाऊँगी अभी, मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।